SIS में काम कर रहे ए टू जेड कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मौका ऊपर आया है, जो इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून, आप सब नाम जरूर सुना होगा, जहाँ पे बच्चे को बोलते हैं, बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाता है जो SIS में काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। दोस्तों वहाँ एक साल का फीस है 5.5 लाख से 6.5 लाख रुपया, और कैसे आप फ्री में पढ़ाइएगा, सच्चाई क्या है, मैं उसमें पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जानकारी हो जो कैसे इसमें एडमिशन कर सकते हैं अपने बच्चे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में है, जो कि SIS के मालिक आर के सिन्हा साहब द्वारा 2001 में वहाँ पे स्थापना किया गया था देहरादून में। और दोस्तों वहाँ पे मैं वैसे यहाँ डिटेल्स में यहाँ पूरा दे दूंगा स्कूल का फोटोज और एडमिशन कैसे कर सकते हैं, पूरा उसका प्रोस्पेक्टस। दोस्तों हम कई सारे 3 लाख+ कर्मचारी है SIS में, पूरा ऑल इंडिया में। वहाँ पे प्रत्येक साल जो है कुछ न कुछ एम्प्लॉय जो है हमारे आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो, कई मेरे लेडीज गार्ड थे जान पहचान के, उसके भी बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे, वो लेडीज गार्ड है, 12 से 13 हज़ार महीने कमाते थे, उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। एक साल का फीस रहता है वहाँ पे 5.5 लाख से 6.5 लाख रुपया, जहाँ पे हमारे SIS के कर्मचारी को क्या सुविधा है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उसमें जो हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका ये क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा, कोई भी कर्मचारी लेडीज गार्ड हो, लेडीज सिक्योरिटी गार्ड हो, तो आपको कम से कम 5 ईयर्स टाइम देना पड़ेगा SIS में, और उसका कोई भी बैकग्राउंड गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पर सिक्योरिटी गार्ड को फंसाया भी जाता है और फंस भी जाता है, गलत भी रहता है, तो उसके बच्चे को इसे मौका नहीं दिया जाएगा। जो 5 साल+ हो चुका है वो अपने बच्चे को वहाँ पे किस तरह से एडमिशन करवाइएगा, उस पर मैं थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, वैसे भी बाकी जानकारी आपको चाहिए चलिए मैं अंत तक बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है, जो 5 साल+ हो गया जिस भी कर्मचारी भाई को, वो अपने बच्चे को 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास बोले तो 4th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th तक वहाँ पे पढ़ाई करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी स्टूडेंट के लिए भी कंडीशन है, वहाँ पे CBSE बोर्ड से रहता है इंग्लिश मीडियम से, और वहाँ पे आपका जो 4th क्लास से पहले तक जो पढ़ाई किया है उसमें बच्चे का 60 से 90% हर एक साल होना चाहिए 1st से 3rd कक्षा तक। और वहाँ पे उस बच्चे का जो है कम से कम लास्ट 2 ईयर्स का जो है वो चेक करेगा कार्ड, जो कितना इसका परसेंटेज रहा है और कैसा है इसका बिहेवियर है, और उसका एंट्रेंस एग्जाम लेने से पहले एंट्रेंस एग्जाम लेगा तब उसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि इंग्लिश CBSE बोर्ड में इसका स्कूल में रहा हो एडमिशन, ये हो गया पढ़ाई, उसमें क्या हो इंग्लिश में बढ़िया प्रॉपर जानता हो, नाम अपना बोलने वालने के लिए जो 4th क्लास में होना है तो समझ लीजिए आपके इंग्लिश प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे को पहले बहुत पहले लेता था जो हिंदी बोलते थे, नहीं इंग्लिश जानता था, तो उस वहाँ का इंग्लिश मीडियम है, पढ़ने में प्रॉब्लम होता था, समझ नहीं पाते थे बच्चे, इसलिए ये इस बार शर्त रखा गया है। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, वहाँ पे देखा जाए तो आपको सालाना जो 5.5 लाख से 6.5 लाख है, आपको आपके सैलरी से एक बच्चे अगर वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको जो है 15% ग्रोथ सैलरी काटा जाएगा। लेकिन ये सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ कि वहाँ पे एडमिशन अभी मेरे को जो रिपोर्ट के आया है, रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, मैं वैसे यहाँ पे रिपोर्ट दिखा दूंगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सामने मैं फोटो दिखा दूंगा और स्कूल का भी फोटो दिखा सकता हूँ। दोस्तों इसमें यहाँ पे एडमिशन को लेकर के बात किया जाए तो बच्चे को सबसे पॉइंट यही है, एडमिशन कैसे होगा और एडमिशन किस तरह से हम करवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सबको पता है पहला एग्जाम देना पड़ेगा, जो बंदे का दिमाग चेक करेगा बच्चा का, जो कितना तेज है, इंग्लिश में प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, और सबसे जो ज़्यादा हाइएस्ट रहेगा मेरिट लिस्ट की तरह वहाँ पे वो सिलेक्शन होगा। सबसे पहले मैं बता दूँ आवेदन के अंतिम तिथि, इच्छुक कर्मचारी बच्चे का नाम, पिता का नाम, SIS पंजीकरण संख्या, जो SIS का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो, माता का नाम, बच्चे का नाम, तिथि, बच्चे का वर्तमान स्कूल का नाम जो प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे हैं, प्रमाण पत्र देने के बाद प्रवेश पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी एडमिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सब फॉर्म अप्लाई करने के बाद।
इंग्लिश मीडियम में 100% होना चाहिए उसका नॉलेज, और जो है कब से स्कूल में पढ़ रहा है वो भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, पिता और माता के साथ बच्चे का साथ फोटो होना चाहिए, तीनों प्राणी का फोटो होना चाहिए, और मतलब सामूहिक पर फोटो जो कि यहाँ पे लिखा है संयुक्त फोटो। उसके बाद स्कूल में अंतिम परीक्षा रिपोर्ट कार्ड, मतलब बोले थे अंतिम परीक्षा जो हुआ था उसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए, और माता ये हो गया। उसके बाद जो है इसका है कार्ड, शनिवार 23 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं महाप्रबंधक अपने ब्रांच मैनेजर के पास, ये दोस्त नोट कर लीजिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी 23 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, और वहां से SIS प्रशासनिक उसका जो जो भी सीनियर है इस डिपार्टमेंट संभालते हैं कार्यालय निशेंद फ्रेजर, वो ये तो एड्रेस हो गया, जिसमें लिफाफे के शीर्ष पर APS में प्रवेश के लिए आवेदन ये लिखना पड़ेगा। लिफाफे जो रहेगा आपका अपने बच्चे का जो भी डेटा भरेंगे आप ब्रांच हेड को सौंपेंगे तो उसके ऊपर में लिफाफे के ऊपर में लिखा रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IPS में प्रवेश के लिए आवेदन, बस इतना ही लिखना है उस पर और उसको दे देना है, वो फिर वहीं पे भेज देगा। लिखा हो 23 के बाद प्राप्त हुए आवेदन देहरादून मार्च 2023 में अप्रूवल किया जाएगा। दोस्तों ये हो गया, अब मैं बात करता हूँ 23 मार्च के बाद क्या होने वाला है। आपको कुछ दिन के लिए टाइम दिया जाएगा, आपका वेरीफाई होगा आपका ID कार्ड, आप ऐसे ऐसे कब से कर्मचारी है, सही है या गलत है, आपके बारे में वेरीफाई होगा कब तक, अप्रैल तक, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम ना हो अपने आपके बच्चे का। तो ये हो गया, ये पहला पॉइंट, पहला स्टेप किस तरह से अप्लाई कैसे कहाँ कर सकते हैं। अब इसमें मैं अंतिम जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप ये आते हैं जो आपको अपने बच्चे का किस तरह से पहला एग्जाम होगा, टेस्ट जो एंट्रेंस एग्जाम जो एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, वैसे तो आने के लिए किसी तरह आ ही जाएगा, चाहे ऑनलाइन लेना हो कि चाहे ऑफलाइन लेना हो। अब मैं बात करता हूँ प्रवेश परीक्षा स्कूल द्वारा IPS कैंपस देहरादून में रविवार 7 अप्रैल 2024 को सुबह 10 बजे आयोजित की जाएगी परीक्षा उस बच्चे का, और उसके बाद दोपहर 3 बजे को व्यक्तिगत बातचीत होगी, बातचीत भी करेंगे, ऐसे नहीं है जो बच्चे का एग्जाम होकर रिजल्ट आया जाओ भाई एडमिशन हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। ये हो गया, उसके बाद दोस्तों ये बातचीत व्यक्तिगत परिणाम 7 अप्रैल 2024 को शाम को ही आपको परिणाम दे देगा, यानी रिजल्ट दे देगा जो आपके बच्चे कितने बच्चे में से कितना पास किए हैं, यानी 7 अप्रैल को ही। अब मैं बात करता हूँ जो 8 अप्रैल को क्या होने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो चयन होगा, सिलेक्शन होगा जिस लड़के का, जिस बच्चे का, उसके माता पिता के साथ ये एग्जाम वहीं पे होगा, देहरादून में ही होगा, जो जिसका सिलेक्शन होगा उसके सुबह में, जिसका नहीं होगा वो तो उसी दिन है सुबह में आ सकता है, जिसका हो जाएगा वो रुकेंगे, और 8 अप्रैल को उसका 8 अप्रैल का जो है चयनित उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग तिथि 8 अप्रैल सोमवार 8 अप्रैल को स्कूल में करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आगे का प्रोसेस बताएगा। और मैं अब पॉइंट पे आता हूँ जो आपका दोस्तों जो भी कर्मचारी है, मेरा आपका जो भी कर्मचारी है सीनियर जूनियर, उसके बच्चे का कितना फीस कटेगा ये है इम्पोर्टेंट। इसमें फ्री तो पढ़ाएगा नहीं, फ्री भाई फ्री ही है, 5 से 6 लाख रुपया वाला एनुअल फीस है एक साल का, जहाँ पे अपने लोग का क्या है एक बच्चे को अगर आप हम आप देते हैं, पहले 12% करता था लेकिन पिछले साल अभी के टाइम में 15% कर दिया है, मतलब समझ रहे हो आपका अगर 10,000 अगर आप सैलरी है तो 10,000 में 1500 रुपया आपका मात्र 15% कटेंगे, अगर 20,000 सैलरी है तो आप समझ लो 3,000 रुपया 20,000 सैलरी है तो 3,000 रुपया आपसे वो स्कूल के फीस में कट जाएंगे आपके बच्चे के नाम पे, 18-20,000 सब कर रहा था तो 15% कटने वाला। और दूसरा जो 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 किसी का ऐसा कभी होता नहीं, अगर किसी का हो गया दो बच्चे का यहाँ पे है अपने लोग का अलाउ, दो बच्चे अगर सिलेक्शन हो जाता पास हो जाए तो आपको 25% कटेंगे अपनी सैलरी में से, बेसिक सैलरी में से। तो ये इम्पोर्टेंट है जो ग्रोस सैलरी है ये नहीं इनहैंड वाले, जैसे आप हमारा 15,000 सैलरी है इनहैंड कट के आता है लेकिन उसमें 1500 PF भी कटता है ना, तो वो PF ये अपना सैलरी बेसिक सैलरी दोनों जोड़ के जो 16,500 होता है तो उसमें से 15% कटेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों। और ये देखा जाए तो ध्यान रखा जाए 4th से 10th क्लास तक होना चाहिए उसका, रेगुलर CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और दोस्तों मैं नेक्स्ट एग्जाम में इसका नॉलेज के बाद बता दूँ, आपको नॉलेज चाहिए जानकारी चाहिए आप अपना ब्रांच हेड से मिले, आपको ब्रांच में जाइए, आपको पूरा हर ब्रांच में ये इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ चुका है जो किस किस तरह इसका जानकारी दिया जाए।
और इस तरह से दोस्तों आप सब, तो आप भी अगर अपने बच्चे को जो भी SIS में छोटे कर्मचारी हो, बड़े का सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे सिक्योरिटी सुपरवाइजर, SO, मैनेजर, सब अपने बच्चे को वहां पे एडमिशन करवा सकते हैं। और लाखों का सोच सकते हो, 5 से 6 लाख एक साल का फीस रहता है वहां पर अपने बच्चे को, बस अपने सैलरी में से 15% डेबिट करके कटवा करके आप जो है अपने बच्चे को फ्यूचर बना सकते हैं, अच्छे से अच्छे पोस्ट हासिल करेंगे, जॉब लेंगे, बहुत बड़े लेवल का है भाई। अगर आपको करना है तो आप अपने बच्चे को अगर देना है तो बिल्कुल वहां पे दीजिए, आपका लाइफ अपने बच्चे का बन जाएगा, आपके साथ का भी लाइफ बन जाएगा। जब तक वहां पे पढ़ेंगे तब तक आपको जो जॉब करना है, बस आपको 15% सैलरी कटेगा, चाहे आपका 15,000 सैलरी हो, 20,000 हो, 30,000 हो, उससे दिक्कत है, चाहे 10,000 सैलरी हो, आपका 15% ही कटेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, नोटिफिकेशन जानकारी अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।